तो चलिए तो ये है आपके लिए बजट एक्सक्लूसिव आइए समय बिता कर आई है और उसके बाद अब बजट में फुल फ्लेज ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ रही हैं स्वाति कितनी चार पांच ब्रेकिंग न्यूज आपके पास बिल्कुल बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज तो है। बहुत सारी है बहुत सारे और जो लोग सोचे कि छोटा मोटा काम चलो इंटरीम बजट होगा वैसा कुछ नहीं है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ये तो प्रॉपर बजट है जितना सरकार को बताना है कि वो क्या कर सकते हैं अगले अगर पाँच साल में आते हैं हाँ। तो वो सब वो, करेंगे ओ, और पूरी फुल फ्लैजेड आपको सारा यू नो मंत्री सब सेक्रेटरी सब इंटरव्यू देंगे आफ्टर द दे बजट ये प्रॉपर बजट इसको मान के चले और नाम जो है उसको इंटरनेम बोले या नहीं वो जरूरी नहीं है पॉइंट इज वहाँ अनाउंसमेंट क्या होते हैं नाम तो वो ठीक है की लास्ट बजट है सरकार का ये मान के चलना चाहिए कि फिर जो कुछ इस बजट में कहा जाएगा अगर वापस यही सरकार चुन के आती तो फिर जब जुलाई में वापस बजट आएगा फाइनल बजट तो उसमें ये सारी चीजें बिल्कुल और उसको हाँ बिल्कुल करेंगे कि हमने वो प्रॉमिस किया था अब देखिए हम ये करेंगे अगर वो सरकार आती है तो अच्छा बताइए कि मार्केट के एंगल से आप कह रहे हैं कि सरकारी बैंकों की कोई बड़ी चीज आने की तैयारी बताइए क्या आएगा अरे बहुत बड़ी चीज है सर ये आपको मैं बताती हूँ बजट में आप समझ रहे हैं कि ये पॉपुलस बजट है फार्मर के लिए हो रहा है मिडिल क्लास के लिए हो रहा है ये तो एक बात हो गई मगर बैंक्स एक्चुअली इस बजट से बहुत ज्यादा पॉजिटिव मूव देख सकते हैं वो इसलिए क्योंकि एक बड़ी पैकेज सरकार प्लान कर रही है बैंकों के लिए एक रिकैपिटलाइजेशन प्लान जो आपने पहले भी देखा है अब फिर से गवर्नमेंट चाह रही है कि एक बड़ा पैकेज बैंकों को दिया जाए और मुझे सूत्रों से पता चला है कि ये छोटा मोटा नहीं ये 20, 25, पचास हजार के बाद नहीं है ये एक लाख से दो लाख करोड़ रुपए का पैकेज गवर्नमेंट प्लान कर रही है बैंकों को देने के लिए एक से दो लाख करोड़ जी

कि अब सरकार सोच रही है कि अब बैंकिंग का वर्स्ट इज बिहाइंड देम अब जो पैसा है अब वो यू यूज़ यू करेंगे क्रेडिट ग्रोथ के लिए इकोनॉमी जो तकलीफ में है इस वक्त वो बैंकों के थ्रू अब बेटर कर सकते हैं तो ये वक्त बैंकों को रियली really सपोर्ट करने का है mm -hmm. उनको पैसा देना चाहिए जिससे वो लेंडिंग बढ़े लिक्विडिटी की सिचुएशन इंप्रूव हो mm -hmm. और बैंक की हालत भी सुधरे क्योंकि एनपीए के कंसर्न्स बहुत हद तक अब आ, यू नो खत्म हो चुके हैं